हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएलएस एकेडमी। हमारा लेक्चर है कंटिन्यूएशन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। पार्ट वन में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने। इसके अलावा हमने ये देखा था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बना कैसे सकते हैं। फिर हमने देखा था कि कार्बोनेशन क्या होता है, और साथ ही हमने ये भी देखा कि कार्बोनेशन को मेजर किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए आज पढ़ते हैं कुछ और चीज़ें, कंटिन्यू करते हैं अपना ये भी लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं सिरप प्रिपरेशन के बारे में। मोस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड एज सिरप प्लस वाटर मिक्स। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए सिरप प्लस वाटर, इस तरीके से सिरप को बनाया जाता है। अगर रेशियो की बात करें, सो इन अ रेशियो ऑफ सम वन पार्ट सिरप टू बिटवीन 3 and 6 पार्ट्स वाटर, मतलब अगर सिरप और वाटर की बात करें तो आप एक पार्ट सिरप को लेते हैं और 3 पार्ट या फिर 6 पार्ट आप वाटर को लेते हैं। दिस अलाउज अ कंसेंट्रेटेड बैच ऑफ सिरप टू बी मेड। ये क्या करता है, ये एक कंसेंट्रेटेड सिरप को बनाने में मदद करता है। एंड देन प्रपोर्शन विथ वाटर टू फॉर्म अ फाइनल प्रोडक्ट, और वाटर के साथ में प्रोपोर्शन एंड होता है ताकि फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जा सके। वेरियस मेथड्स एग्जिस्ट टू एक्यूरेटली प्रपोर्शन सिरप एंड वाटर। वाटर और सिरप एक्यूरेट प्रपोर्शन में मौजूद हों, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। दो द मोस्ट पॉपुलर करंट सिस्टम यूजेस फ्लो मीटर्स। अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड की बात करें तो ये होता है फ्लो मीटर्स का यूज़। फ्लो मीटर्स के यूज़ के द्वारा ये डिसाइड करना कि क्या प्रोपोर्शन आप सिरप का ले रहे हैं और क्या वाटर का। The syrup is usually dosed through a mass flow meter. एक mass flow meter के द्वारा इसको dose किया जाता है। And the water is dosed volumetrically, और water की dosing volume के basis पे की जाती है using a magnetic induction flow meter, और इसके लिए use किया जाता है एक magnetic induction flow meter. बहुत सी important चीज़ें इस paragraph में हैं, जैसे कि मेथड सिरप के लिए कौन सा यूज़ करा जा रहा है, मास फ्लोमीटर, और वाटर के लिए यूज़ किया जा रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन फ्लोमीटर। ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद करके रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि वाटर की डोजिंग वॉल्यूम के बेसिस पे होती है, और जो सिरप है ये मास के बेसिस पे होती है। तो ये चीज़ें आप याद करके रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आपने मिसर कर लिया, नेक्स्ट होता क्या है, दिस अलाउज फॉर डेंसिटी वेरिएशन। इसके द्वारा डेंसिटी में वेरिएशन होता है विद इन द सिरप। सिरप की डेंसिटी वेरी करती है टू बी अकाउंटेड फॉर टू गिव द रिक्वायर्ड ब्रिक्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। सिंस अ मास फ्लोमीटर वर्क्स ऑन द सम कोरियोलिस प्रिंसिपल एज अ डेंसिटोमीटर। जो मास फ्लो मीटर होता है ये डेंसिटोमीटर के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होता है, और उसी के डेंसिटी के बेस पे ही अपना काम करता है। ऑल्दो द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग डेंसिटी यूजिंग अ मास फ्लो मीटर इज एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लेस देन इफ अ डेंसिटोमीटर इज एम्प्लॉयड। अगर एक डेंसिटोमीटर की मदद से आप इसको मेजर कर रहे हैं तो जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट आपकी वैल्यू होगी, वो मैग्नीट्यूड के अगर कंपैरिजन में बात करें तो थोड़ी सी लेस होती है, कम होती है। नेक्स्ट आता है डी एरेशन।
डी एरेशन का मतलब होता है एयर का रिमूवल। द एम शुड बी टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एयर, एयर का लेवल यहाँ पे कम किया जाता है विद इन अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बना के आपने रेडी कर लिया है और उसके बाद में उसमें से एयर का रिमूवल कर रहे हैं टू बिलो 0.5 ppm, और इसका लेवल 0.5 ppm से भी कम कर दिया जाता है वेर एवर पॉसिबल। इन दिस वे द प्रोडक्ट विल बी एट मिनिमम रिस्क फॉर डिटोरिएशन। मेन चीज यहाँ पे ये बताई गई है कि आप ये डी एरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट के डिटेरियोरेशन की जो रेट है वो मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि अगर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, अगर एयर प्रेजेंट है देन ऑब्वियसली बात है इसमें ऑक्सीजन भी होगी, तो अगर ऑक्सीजन होगी तो जो डिटेरियोरेशन है वो भी होगा, क्योंकि ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और अगर उनको ऑक्सीजन मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, आराम से ग्रो करेंगे और प्रोडक्ट को स्पॉइल कर देंगे। लेकिन अगर आप डी एरेशन कर देंगे, आप एयर को ही बाहर निकाल देंगे, तो फिर कोई रिस्क ही नहीं रह जाएगा कंटेमिनेशन का। हेंस सेल्फ लाइफ विल बी इम्प्रूव्ड, और इससे होगा क्या, जो सेल्फ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि अगर माइक्रोब्स नहीं ग्रो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट को स्पॉयल नहीं किया जा सकेगा। एंड फिलिंग प्रॉब्लम्स मिनिमाइज्ड, और जो फिलिंग प्रॉब्लम्स होंगी वो भी मिनिमाइज हो जाएंगी अगर आप डी एरेशन की प्रोसेस को करते हैं तो। टू मेन मेथड्स ऑफ डी एरेशन एग्जिस्ट। डी एरेशन के लिए दो मेन मेथड्स हैं। पहला है वैक्यूम एंड रिफ्लेक्स। ये दो मेथड्स हैं जिनके द्वारा आप डी एरेशन कर सकते हैं। बोथ ऑफ विच आर नॉर्मली अप्लाइड टू वाटर। दोनों ही मेथड्स को वाटर पे अप्लाई किया जाता है बिफोर मिक्सिंग विद सिरप, सिरप के साथ में मिक्स करने से पहले, रदर देन टू द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट पे अप्लाई ना करके नॉर्मली वाटर के साथ में ही इन प्रोसेसेस को किया जाता है सिरप में मिक्स करने से पहले। By de-aerating only the water, no product contamination of the equipment occurs. De-aeration के द्वारा product का जो भी product है उस या जो equipment है उसका contamination नहीं होता है, and consequently less product risk is involved, और product के साथ में जो होने वाला risk है वो कम हो जाता है। ऑल्सो द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग इज डिक्रीज। जब कंटेमिनेशन के चांसेस कम होंगे, कंटेमिनेशन का रिस्क कम होगा, तो जो क्लीनिंग फ्रिक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको बार बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा। और अगर कंटेमिनेशन का रिस्क होता है तो वहाँ पे क्लीनिंग बहुत फ्रिक्वेंटली करनी पड़ती है, अगर वहाँ पे रिस्क नहीं है तो क्लीनिंग कम हो जाएगी। इन मॉडर्न प्लांट्स इट इज़ नॉर्मल टू डी एरेट ऑल दी वाटर यूज इन दी प्रोडक्ट। जो मॉडर्न प्लांट्स होते हैं उनमें ये नॉर्मल है कि जिस भी वाटर का यूज़ किया गया है प्रोडक्ट में उस पूरे वाटर को डी एरेट किया जाता है, इंक्लूडिंग दी वाटर यूज टू मेकअप दी सीरप कंटेंट। इवन जिस वाटर का यूज़ करके सीरप को बना रहे हैं उस वाटर को भी डी एरेट करके ही प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के यूज में लाया जाता है, दस मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट। और जब आप हर जगह पे वाटर को डी एरेट करके ही यूज कर रहे हैं तो जब वाटर में एयर नहीं होगी तो वाटर का जो जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनके रेडी होगा उसमें एयर का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। अब आता है कार्बोनेटर्स। कार्बोनेशन तो हम पढ़ चुके हैं, अब कार्बोनेशन की प्रोसेस की कहाँ पे जाती है उसको हम बोलते हैं कार्बोनेटर्स। तो चलिए पढ़ते हैं कार्बोनेटर्स के बारे में। द कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑफन स्प्रेस्ड इनटू द लिक्विड अंडर प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, प्रेशर के बहुत ज़्यादा प्रेशर के द्वारा इस पे इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है।
दिस अलाउज स्मॉल बबल्स ऑफ गैस टू बी फॉर्म। इसकी वजह से कभी कभी देखा जाता है कि फोमिंग हो जाती है, छोटे छोटे से गैस के बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, विच कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड बाई द लिक्विड। और अब ये जो बबल्स बने हैं ये लिक्विड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। द हायर द प्रेशर द स्मॉलर द गैस बबल फॉर्म्ड एट द स्प्रेसर। जितना ज़्यादा ही प्रेशर होगा उतना ही छोटा बबल बनेगा। ये इन्वर्सली होते हैं, प्रेशर अगर कम होगा बबल का साइज बड़ा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा बबल का साइज छोटा हो जाएगा। एंड द ग्रेटर द गैस बबल सरफेस एरिया मेड अवेलेबल फॉर द गैस टू बी एब्जॉर्ब्ड बाई द लिक्विड। अगर आप प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से जो बबल बना है उसका साइज बहुत छोटा हो गया है, तो चांसेस ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अगर उसका साइज छोटा है तो उसको लिक्विड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अर्ली कार्बोनेटर्स यूज्ड रेफ्रिजरेशन टू कार्बोनेट एट अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्ली कार्बोनेटर्स की बात करें तो उनमें रेफ्रिजरेशन का यूज़ किया जाता था लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ताकि जो भी प्रोडक्ट है उसको कार्बोनेट किया जा सके। यहाँ पे देख सकते हैं 3 तरीके से कार्बोनेटर्स दिखाए गए हैं। एक है स्टैटिक, स्टैटिक में लिखा हुआ है डिफ़िकल्ट टू अचीव एफिशिएंट कार्बोनेशन। इसमें बहुत ज़्यादा इजीली आप कार्बोनेशन को अचीव नहीं कर सकते, नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्मली प्रेशर बहुत कम है। अगला आता है वाटरफॉल, द प्रोडक्ट डिसेंड्स एज अ वाटरफॉल इन द वेसल। जो भी वेसल होता है उसमें से प्रोडक्ट को फॉल कराया जाता है, तो यहाँ पे भी कार्बोनेशन देखा जाता है, कार्बोनेटेड प्रोडक्ट बनके रेडी होता है। होता क्या है, यहाँ पे एक बबलर है, देख सकते हैं यहाँ से प्रोडक्ट को एंट्री कराई गई और यहाँ से CO2 को एंट्री कराई गई, दोनों ही मिक्स हुए और फाइनली यहाँ पे कार्बोनेटेड प्रोडक्ट बनके बाहर निकल गया। देख सकते हैं यहाँ पे CO2 गैस के बबल्स बने हुए हैं, यहाँ से CO2 आ रही है, यहाँ से प्रोडक्ट आया। अब जो बबल्स बने प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से छोटे छोटे से बबल्स बने जिनको कि प्रोडक्ट में अब्जॉर्ब कर लिया गया, और ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं आगे चल के, और फिर इन्हीं के साथ में फाइनल कार्बोनेटेड प्रोडक्ट रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रेविटी फिलर। इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी टू सील द कंटेनर टू द फिलर बाउल। नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है कि जो कंटेनर है उसको सील कर दिया जाए टू द फिलर बाउल सच दैट नो लीकेज कैन टेक प्लेस, ताकि कोई भी प्रकार का लीकेज ना हो पाए वहाँ पे। प्लेस्ड अराउंड द सील, जो भी आपने सील किया है कंटेनर को उस सील के आसपास कोई भी लीकेज ना हो पाए। दिस अप्लाइज वेदर द कंटेनर इज ग्लास प्लास्टिक और मेटल। और ये अप्लाई होता है हर जगह पे, चाहे कंटेनर आपका ग्लास का बना हो, चाहे प्लास्टिक का हो या फिर मेटल का बना हुआ हो। द फिलर बाउल इज फिल्ड टू अ गिवन लेवल। एक लिमिटेड लेवल होता है जहाँ तक कि फिलर बाउल को फिल कर दिया जाता है, विच इज मेंटेन्ड विद क्लोज टॉलरेंसेज, जिसको कि क्लोज टॉलरेंसेस के द्वारा मेंटेन किया जाता है बाय मींस ऑफ फ्लोट वॉल्व्स। मोस्ट मॉडर्न बॉटल फिलर्स नाउ लिफ्ट PET बॉटल्स बाय द नेक टू ओवरकम पॉसिबल डीफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। जो मॉडर्न बॉटल फिलर्स होते हैं ये इस तरीके से वर्क करते हैं कि ये अगर ये बॉटल है तो ये बॉटल के नेक से इसको उठा के उसको फिल करेंगे, मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी कि अगर पहले इन्होंने बॉटल को ऐसे करके यहाँ से अगर कोई भी प्रेशर पड़ गया बॉटल डीफॉर्म हो जाएगी, इसका शेप कुछ भी हो जाएगा उल्टा सीधा, तो इसीलिए नेक से इन्होंने फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया ताकि कोई भी डिफॉर्मेशन की प्रॉब्लम ना हो या फिर उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। This also allows light weighting of the bottles for both environmental and commercial reason। और इसकी वजह से
जो बॉटल्स हुई, बॉटल्स का भी लाइट वेट हो गया, जो कि इन्वायरमेंटल रीजन से भी सही है और कमर्शियल रीजन से भी सही है। टू अचीव कमर्शियली एक्सेप्टेबल फिलिंग स्पीड्स द मेजोरिटी ऑफ फिलर्स आर रोटेटरी। ज़्यादातर जो फिलर्स होते हैं ये रोटेटरी होती हैं, ताकि जो फिलिंग की स्पीड है उसको बढ़ाया जा सके और अच्छी स्पीड पे बॉटल्स की फिलिंग हो सके। बॉटल्स आर फेड इनटू द फिलर बाय कन्वेयर। जो बॉटल्स होती हैं ये फिलर के पास कन्वेयर से पहुंचती हैं। कन्वेयर एक इस तरीके का कोई मटेरियल होता है जो रोटेटरी बेल्ट होती है, इस पर यह चलता रहता है और बॉटल्स यहाँ से आ रही हैं। धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ता है तो बॉटल्स का भी जो प्लेस है वो चेंज होता रहता है और फाइनली वो फिलर अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो बॉटल्स मूव करते करते आएंगी, फिलर के पास में पहुँचेंगी, फिल करके ये आगे भेज दी जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से ये कन्वेयर के द्वारा पहुँचती हैं टू एन इनफीड वॉर्म एंड स्टार व्हील इन सिंगल फाइल। दिस मैकेनिज्म इनकॉर्पोरेट्स अ क्लच ऑपरेटेड बॉटल स्टॉप। अब इनमें क्या होता है, बॉटल जा तो रही है, अब कहाँ जाके रुकेगी, कहीं चलती तो नहीं चली जाएगी, उसको कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना होगा। तो इसके लिए क्लच ऑपरेटेड बॉटल स्टॉप्स होते हैं, जहाँ पर कि बॉटल्स को रोक दिया जाता है कि आपको यहीं तक जाना है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस रोटेट्स फ्रीली। और ये जो होते हैं क्लच ऑपरेटेड बॉटल स्टॉप जो होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में ये फ्रीली रोटेट करते रहते हैं। काउंटर प्रेस फिलर। द प्रोसेस अबव फॉर्म्स द बेसिस ऑफ काउंटर प्रेशर फिलिंग ऑफ द कार्बोनेटेड लिक्विड इनटू अ कंटेनर। अभी जो हमने प्रोसेस पढ़ी वो एक बेसिक प्रोसेस थी और उसी ने काउंटर प्रेशर फिलर का बेस बनाया, ताकि कार्बोनेटेड लिक्विड्स को किसी भी कंटेनर में फिल कराया जा सके। यहाँ पे देख सकते हैं इसका डायग्राम दिखाया गया है काउंटर प्रेशर फिलर का। कोई भी बॉटल आती है, इसके नेक से इसको लिया जाता है, इसमें जो भी प्रोसेस करनी है फिल कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे भी खाली बॉटल है, उसको फिल किया जा रहा है। जब ये फिल हो गई है तो इसको यहाँ से फिर रिलीज कर दिया जा रहा है। टू अचीव ग्रेविटी फिलिंग द प्रेशर विद इन द फिलिंग बाउल एंड द कंटेनर मस्ट बी इक्वेटेड। ग्रेविटी फिलिंग को अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो भी प्रेशर है फिलिंग बाउल के बीच में और कंटेनर के बीच में वो एकदम इक्विलिब्रियम लेवल पे हो। Considerations during the process include ensuring that filling is as quiescent as possible, otherwise fobbing will occur. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भी filling की process हो रही है वो एकदम quiescent हो, उसमें कोई भी तरीके से कोई भी error होने के chances ना हो, क्योंकि अगर कोई भी error हुई इसमें fobbing हो जाएगी, bubbles बन जाएंगे filling के दौरान। The term fobbing is generally applied to a carbonated product that is still lively. एक ऐसे product पे इस fobbing को apply किया जाता है term को जो still lively है, मतलब product आपका है liquid भी है लेकिन उसके ऊपर gas के bubbles बने हुए हैं। And has not reached a state of equilibrium. और ऐसा liquid जो होता है जिसमें कि fobbing होती है वो equilibrium state में नहीं होता है, उसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अभी इक्विलिब्रियम के स्टेट में नहीं पहुंचा है। फोबिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाय एक्सेसिव एजिटेशन। जब आप फिल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अगर एजिटेशन हो गया है उस टाइम पे तो उसकी वजह से फोबिंग हो जाएगी। एंड टू फास्ट स्निफ्टिंग प्रोसेस, अगर जो स्निफ्टिंग प्रोसेस है बहुत फास्ट है तो उसकी वजह से भी फोबिंग हो सकती है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद करके रखने वाला है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है क्लीन इन प्लेस सिस्टम। अ टिपिकल ऑपरेटिंग साइकिल वुड बी
नंबर वन, रिंस द फिलर, जो फिलर है उसको सफाई होनी चाहिए उसकी, एंड फिलिंग वॉल्व्स, जो फिलिंग वॉल्व्स हैं दोनों को ही रिंस किया जाना चाहिए फॉर अ सेट टाइम, जो भी एक पर्टिकुलर टाइम है उतने टाइम तक, यूजिंग रिंस वाटर टू ड्रेन, रिंस वाटर का यूज़ किया जाना चाहिए और उसको ड्रेन कर दिया जाना चाहिए। दिस रिमूव्स पार्टिकुलेट्स, ये कोई भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स अगर अटैच हैं वहाँ पे तो उसको रिमूव कर देते हैं। द रिंस वाटर यूज इज ऑफन द फाइनल रिंस वाटर, जो रिंस वाटर यूज़ किया जाता है ये फाइनल रिंस वाटर होता है फ्रॉम द प्रीसीडिंग CIP ऑपरेशन सो एज टू कंजर्व वाटर। ये ऐसा वाटर होता है जो कि पहले से ही CIP ऑपरेशन के दौरान इसको कंजर्व कर लिया जाता है और बाद में इसको रिंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सर्कुलेट हॉट कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। कॉस्टिक सोडा का हॉट सॉल्यूशन भी आप सर्कुलेट करके क्लीनिंग करा सकते हैं फॉर सम 15 मिनट, लगभग 15 मिनट तक आपको ये प्रोसेस करानी होती है। और इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो ये लिया जाता है 1.5% वेट बाई वॉल्यूम और 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। द कॉस्टिक सोडा इज रिटर्न टू द हॉट कॉस्टिक टैंक थ्रू फिल्टर्स, और उसके बाद में जब ये क्लीनिंग की प्रोसेस हो जाती है कॉस्टिक सोडा रिटर्न हो जाता है फिल्टर्स के द्वारा, जो भी टैंक है कॉस्टिक सोडा का उसमें। नेक्स्ट है सर्कुलेट हॉट वाटर एट अराउंड 75 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट, 15 मिनट तक हॉट वाटर को लगभग 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्कुलेट करके भी आप क्लीनिंग कर सकते हैं टू अलाउ द इंटरफेस विद द कॉस्टिक टू फ्लो टू द ड्रेन, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो ड्रेन हो जाएं। अ कंडक्टिविटी प्रोब इज इंक्लूडेड विद इन द सर्किट, यहाँ पे एक कंडक्टिविटी प्रोब का भी यूज़ किया जाता है टू इंश्योर दैट ऑल द कॉस्टिक लाई हैव बीन रिमूव, कोई भी कॉस्टिक लाई जो आपने यूज़ किया है वहाँ पे ना बची हो, रिमूव हो गई हो पूरी तरीके से। The hot water is recirculated to conserve energy. अब ये जो hot water है इसको दोबारा से recirculate कर दिया जाता है ताकि energy का conservation हो सके। Next आता है use cold water as a final rinse. Careful records of the CIP process needs to be maintained to ensure the process used has been effective. इसके बाद में ये सारी processes के बाद में कोल्ड वाटर का यूज़ किया जाता है फाइनल रिंस के लिए। अब यहाँ पे रिकॉर्ड ज़रूरी होता है कि जो भी प्रोसेस की गई है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए, जो भी क्लीन एंड इन प्लेस प्रोसेस है और उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा जाए, ताकि आप बाद में पता भी लगा सकें कि जो क्लीनिंग इन प्लेस की प्रोसेस की गई है, क्लीनिंग की प्रोसेस हुई है वो इफ़ेक्टिव है भी या नहीं, या उसमें कोई चेंज की ज़रूरत है या कुछ उसमें प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीज़ों के लिए रिकॉर्ड रखना इसका ज़रूरी होता है। अब आता है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल इज द एसेंस ऑफ मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम। मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम के लिए इसका एसेंस है प्रोसेस कंट्रोल। इट इज़ इम्पेरेटिव एट ऑल टाइम्स टू हैव द प्रोसेस फुली अंडर कंट्रोल। ये हर समय पूरी प्रोसेस को कंट्रोल में रखने के लिए ज़रूरी होता है एंड फॉर फुल रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट, और पूरे जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको रखने के लिए ज़रूरी होता है प्रोसेस कंट्रोल। ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड फीडबैक कंट्रोल इज द की टू अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होता है कि ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंटेशन हो और फीडबैक कंट्रोल भी वहाँ पर मौजूद हो। The syrup premix is produced as a batch offline. जो सीरप का प्रीमिक्स है उसको बैच ऑफलाइन की तरह प्रोड्यूस किया जाता है। All the weighed ingredients are logged on a computer controlled weighing system. जिन ingredients को आपने पहले से ही weigh कर लिया है उनको computer controlled weighing system पे दोबारा से log on किया जाता है। That can feedback data to the central factory system.
और जो आपने वे किए हैं इंग्रेडिएंट्स, इस डेटा को ये जो कंप्यूटर कंट्रोल्ड वेइंग सिस्टम है ये फीड कर लेगा और इसको ये सेंट्रल फैक्ट्री सिस्टम तक पहुंचा देता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द कार्बोनेशन प्रोसेस कैन बी डिटेक्टेड ऑनलाइन। जो इफेक्टिवनेस है कार्बोनेशन प्रोसेस की, इसको ऑनलाइन डिटेक्ट किया जा सकता है बाई टेकिंग रेगुलर सैंपल्स, रेगुलर एक इंटरवल पे सैंपल्स लेके, एंड चेकिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन। जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके लिए प्रेशर और टेम्परेचर रिक्वायर्ड जितना है उतना है या नहीं है, इन सब चीज़ों को चेक करके कार्बोनेशन प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को डिटेक्ट किया जा सकता है। द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विल रेगुलेट द प्रोसेस विद इन एग्रीड लिमिट्स। जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है ये इसीलिए होता है कि जो लिमिट्स हैं उन लिमिट्स के अंडर ही पूरी प्रोसेस को एक रेगुलेटेड वे में कराया जाए। फ्यूचर ट्रेंड्स। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट इज द नेक्स्ट मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन द बेवरेज टेक्नोलॉजी विल बी। ये इमेजिन करना डिफिकल्ट है कि जो बेवरेज टेक्नोलॉजी है इसमें सबसे बड़ा स्टेप आने वाला अगला स्टेप क्या होगा। वी ऑलरेडी ब्लो मोल्ड पीईटी बॉटल्स डायरेक्ट ऑनलाइन टू द फिलर वाया एन एयर कन्वेयर। हम पहले ही इस तरीके की चीज़ें बना चुके हैं जिसमें कि डायरेक्टली ऑनलाइन आप पीईटी बॉटल्स को फिलर तक पहुंचाते हैं कन्वेयर के द्वारा और उनको फिल कर दिया जाता है। These bottles are manufactured and filled in just over 2 minutes. ऐसी processes हैं कि आप 2 मिनट के अंदर इन bottles को बनाते हैं और fill कर देते हैं। Unless a silo system is used to store the bottles and act as buffer between the blow molder and filler and hence increase operational output. More processes will become PC rather than PLC controlled. ज़्यादातर processes PC होंगी, PLC controlled नहीं होंगी, process controlled ही सारे procedures होंगे, thereby facilitating easier programming, जिससे कि जो programming है वो easy हो जाएगी। The sniffing operation will incorporate more sophisticated instrumentation. जो स्निफ्टिंग ऑपरेशंस होंगे इनमें और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाएगा टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फोबिंग, ताकि फोबिंग की जो प्रॉब्लम है, जो बबल्स बनने की प्रॉब्लम है, उसको मिनिमाइज किया जाए। एंड विल बी कैरीड आउट इन अ शॉर्ट अ टाइम एज पॉसिबल, और कोशिश किया जाएगा कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतने कम टाइम में इस प्रोसेस को कराया जा सके। To ensure the filling cycle operation itself is optimized, ताकि ये ensure किया जा सके कि जो भी filling operation है, filling cycle जो चल रही है वो optimized है। More flexible operations will be required as marketing staff try to gain increasing market share for their product. बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो मार्केटिंग स्टाफ है ये कंटिन्यूसली जो मार्केट का शेयर है उसको गेन करने का कोशिश करता है, और जो मार्केट जो गेन है वो इंक्रीज ही हो रहा है प्रोडक्ट के लिए, तो बहुत फ्लैक्सिबल ऑपरेशंस की भी ज़रूरत होगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरी वन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।